नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड का फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, शिक्षा की दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य। इसका फोर्थ यूनिट चल रहा है। फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है इसको हम जाने तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन को हम इसको इसकी शाब्दिक व्याख्या करें तो इससे निकल कर आता है कि समाज में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब क्या परिवर्तन होता है? देखिए, समाज के जो पहले की स्थिति थी, जो हमारे पूर्वज जो काम करते थे या जो हमारे पूर्वजों का रहन सहन, सभ्यता, संस्कार, मूल्य, दिनचर्या, जीवन शैली, ये चीज़ें थीं, और उन पूर्वजों की उस जीवन शैली में और आज की जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है, यही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि परिवर्तन मीन्स पहले की स्थिति में हेरफेर या पहले की स्थिति में बदलाव। तो इस तरह से समाज की जो स्थिति पहले थी, उस समाज की स्थिति में और आज की स्थिति में जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, जो हेरफेर हुआ है, यही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, क्योंकि कैसे, देखिए इसका हम एक उदाहरण के द्वारा समझें कि पहले लोग बाग का जो सामाजिक स्तर था, सामाजिक रहन सहन था, लोग बाग अधिकांशतः कच्चे मकानों में रहते थे, कच्चे मकान होते थे, कुएं से पानी भरने जाते थे, कुएं या तालाबों से। जीवन शैली कैसी थी? कुएं या तालाबों से पानी भरते थे। जो रहन सहन था, कपड़े पहनने की जो सभ्यता थी, पुरुष धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, जो अब इन चीज़ों में धीमे धीमे परिवर्तन आया है। आप देखें, आज उन कच्चे मकानों की जगह, उन कच्ची सड़कों की जगह पक्के मकान हो गए हैं, पक्की सड़कें हो गई हैं। जो कुओं तालाबों से लोग बाग पानी भरने जाते थे, आज सब के यहाँ अधिकांशतः नल की व्यवस्था है, सरकार ने हैंडपंप भी लगवा दिए हैं। जो धोती कुर्ता पुरुष पहनते थे, उसमें चेंजेस आया है धीरे धीरे। लोग बाग धोती छोड़कर पायजामा कुर्ता, पायजामा कुर्ता से पैंट शर्ट, और पैंट शर्ट से आज जींस शर्ट, जींस टी शर्ट में आ गए हैं। ये सामाजिक परिवर्तन है। पहले व्यक्तियों का कार्य करने की स्थितियां सबकी फिक्स थीं। जो कास्ट डिवाइडेशन हुआ था, इसमें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे, सबका अलग अलग व्यवसाय फिक्स था। ये कोई किसी के व्यवसाय में नहीं घुस सकता था, सबके लिए निर्धारित कार्य थे कि आपको ये करना है। ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें थीं। आज सोशल चेंज क्या हुआ है? आज सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ है? आज सामाजिक परिवर्तन में किसी भी कास्ट का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी व्यवसाय करता है। हलवाई की दुकान आप देख लें, किसी भी समाज की दुकान आपको मिल जाएगी। कपड़े की दुकान किसी भी समाज की दुकान आपको मिल जाएगी। तो ये यही सामाजिक परिवर्तन है। इसके बाद हम एक डेफिनेशन की चर्चा करें, जो जॉन्स महोदय हुए हैं, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की डेफिनेशन दी है कि सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय है समाज के किसी भी पहलू, जैसे सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रारूप, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन में बदलाव या सुधार से है। एक और किंग्सले डेविस महोदय हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है सामाजिक परिवर्तन की।
उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना और उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा कर लें सामाजिक परिवर्तन के रूप, कितने प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, होते हैं। इसके तीन परिवर्तन, तीन टाइप्स इसके बताए गए हैं, तीन फॉर्म बताए गए हैं इसके। पहला विकासात्मक परिवर्तन, दूसरा लहरदार परिवर्तन और तीसरा चक्रीय परिवर्तन। तो जो विकासात्मक परिवर्तन है, ये विकासात्मक परिवर्तन एक हमेशा एक स्पीड से, एक गति से होने वाला परिवर्तन है जो धीमे 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 हर समाज में होता है। एक एक लाइन लेंथ पे ये चलता है, ये विकासात्मक परिवर्तन इसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें 1940 में एक ग्राफ इसका बना लीजिए आप, 1940 में शिक्षा का जो लिटरेसी रेट था वो क्या था, स्वास्थ्य का लिटरेसी रेट था, सॉरी स्वास्थ्य लोगों का कैसा था और टेक्निकल रूप से क्या प्रोग्रेस हुई थी, ये 1940 को में हम ये तीन आंकड़े, आप और भी दो चार आंकड़े इसमें बढ़ा सकते हैं, दो चार और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको 1940 को देखें, उसके बाद 1960 को, 20-20 साल का गैप आप ले लीजिए, 1960, 1980, 2000 और आज 2020 को, इसमें आप देखें इन 20-20 साल का गैप रखा है जो हमने पांच जगह, इसमें आप देखें 40 से 60 में ग्रोथ हुई है, फिर 60 से ग्रोथ हुई है 80 तक, 80 से ग्रोथ हुई है 2000 तक, 2000 से ग्रोथ हुई है 2020 आज तक। तो ये विकासात्मक परिवर्तन हुआ है धीमे धीमे सभी समाजों में, सभी स्तर पर परिवर्तन हुआ है, इसे हम कहेंगे विकासात्मक परिवर्तन। इसके बाद दूसरा इसमें बताया गया है लहरदार परिवर्तन। लहरदार परिवर्तन से मतलब है किन्हीं किन्हीं समाजों में ऐसा होता है कि एक परिवर्तन हो रहा है, तो पहले प्रगति हो गई है, 10 साल तक खूब प्रगति की लोगों ने, उसके बाद किसी भी कारण से, चाहे किसी महामारी या भूकंप से, बाढ़ से, किसी भी कारण से उसमें प्रगति में फिर अवनति हुई, और अवनति के बाद फिर लोगों ने फिर प्रयास किया अपना ग्रोथ करने का, फिर उन्नति हो गई, प्रगति हो गई, उसके बाद फिर किसी कारण से, अभी जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में लोगों का अभी इस आज का रेट रोज़गार बिल्कुल बैठ गया है, हर व्यक्ति का रोज़गार ठप पड़ा है, तो इस तरह से विकास दर आज नीचे आ गई है। तो ये इस तरह से लहरदार परिवर्तन होता रहता है समाज में, उतार चढ़ाव लहर, ये इस तरह की लहर चलती रहती है। और इसके बाद लास्ट है इसका चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन से ये परिवर्तन एक एक सर्किल की तरह चलता है। कैसा चलता है, इसमें देखिए समाज में स्टार्टिंग करते हैं गरीबी से, जब गरीबी हुई तो लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, व्यापार किया और उन्हें रोज़गार प्रोवाइड हुआ और उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर हुई। उसके बाद उन्होंने शादी की, ब्याह किया, बच्चे हुए, जनसंख्या बढ़ी, अगला स्टेप जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से जब उनके जो जनसंख्या बढ़ी, उनके वो बच्चे जब एडल्ट हुए तो फिर वो धीरे धीरे फिर वही बेरोज़गारी हो गई, अब उनके लिए रोज़गार चाहिए तो फिर रोज़गार चाहिए, तो फिर गरीबी हुई, बेरोज़गारी से गरीबी हुई और इससे फिर वही सिस्टम चालू हो गया कि जब गरीबी हुई, बेरोज़गारी हुई तो लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, व्यवसाय किया, व्यापार किया और उससे फिर उनकी बेरोज़गारी दूर हुई। तो इस तरह से ये सर्किल गरीबी, शिक्षा, रोज़गार, फिर जनसंख्या वृद्धि, फिर गरीबी, फिर शिक्षा, रोज़गार, ये सर्किल चलता रहता है, इसे चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के रूप इनकी चर्चा की है। और देखिए बताया गया है कि समाज जो सामाजिक परिवर्तन, ये अनिवार्य प्रकृति का नियम है
कि परिवर्तन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और जिन समाजों में परिवर्तन नहीं होता है वह समाज पीछे रह जाते हैं, उन समाजों की प्रोग्रेस कभी नहीं होती है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।